साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के हिस्से एक और हार आई है। दिल्ली में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को करारी पटखनी दी है। एमसीडी में मिली करारी हार से एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी को पार्टी की कमान देने की आवाज उठ रही है, तो वहीं दबे लहजे में ही सही लेकिन पार्टी के अंदर से ही राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से हर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष के नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि पार्टी को जिस तरह के आक्रामक प्रचार करना चाहिए था नहीं किया गया। शीला ने दिल्ली कांग्रेस में मौजूदा नेतृत्व से तकरार के संकेत देते हुए कहा कि उनसे किसी ने निकाय चुनावों में प्रचार करने के लिए नहीं बोला। बता दें कि देश में बीजेपी की जीत का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के जनाधार का ग्राफ नीचे आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर गहन मंथन करने की जरूरत है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।